गोरखपुर में सिख समुदाय के बीच पहुंचे सीएम योगी, गुरुद्वारे में टेका मत्था। सिख समुदाय को योगी ने दिया चुनावी संदेश, कहा गुरु परंपरा ने ही भारत को मुश्किल वक्त में बचाया। उस कालखंड में विदेशी क्रूरता का सामना करते हुए भी जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन महापुरुषों के शहादत और बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। सिख समुदाय ने योगी के प्रति जताया भरोसा, महिलाओं ने जीत के लिए दी शुभकामना। सड़क रोड सब कुछ बाबू यहाँ सब चीज बना दिए, घर घर में खाएक दे दिए, बहुत कुछ दिया बाबू योगी बाबा। गोरखपुर में घर घर प्रचार कर रहे सीएम योगी, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। बीजेपी सांसद रवि किशन भी मुख्यमंत्री के प्रचार अभियान में थे साथ, गोरखपुर की सड़कों पर मेले जैसा माहौल। प्रचार पर निकलने से पहले ही योगी ने जनता को चेताया, कहा विरोधियों की नीयत में खोट, सतर्क रहने की जरूरत। चुनावी प्रचार में अखिलेश का योगी सरकार पर जारी है ताबड़तोड़ वार, आज अलीगढ़ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनावी प्रचार में अखिलेश का योगी सरकार पर जारी है ताबड़तोड़ वार, आज अलीगढ़ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश का दावा, इस बार यूपी से बीजेपी का होगा सफाया, चुनाव को बताया संविधान बचाने की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। गाजियाबाद के लोनी में ओवैसी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की इजाजत, AIMIM नेता ने राज्य सरकार पर उतारा गुस्सा। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ओवैसी पर हमले के आरोपी सचिन का पुलिस को इकबालिया बयान, कहा ओवैसी ने छिपने की कोशिश की नहीं तो ले लेता जान। बयान के मुताबिक बड़ा नेता बनना चाहता था सचिन, ओवैसी के बयानों के चलते पैदा हुई नफरत। ओवैसी तक पहुंचने के लिए सचिन ने AIMIM के स्थानीय नेता से बढ़ाई थी जान पहचान, आलम नाम के शख्स से मिली पिस्टल। ओवैसी ने संसद को दी खुद पर हमले की जानकारी, सरकार से पूछा आरोपियों पर क्यों नहीं लगाया UAPA। ओवैसी को सरकार ने दी Z श्रेणी की सुरक्षा, AIMIM के अध्यक्ष ने किया इनकार, बोले गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगूंगा बुलेट प्रूफ गाड़ी। ओवैसी पर हमले को लेकर शिवसेना ने शारों में बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, संजय राउत बोले हमले से संदेश देने की साजिश। ओवैसी जी के ऊपर हमला होता है यहाँ क्यों? इतने साल में कभी उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, खुलेआम घूमते रहे, तो वो भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेनी चाहिए। मनीष तिवारी को कांग्रेस ने पंजाब के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं दी जगह, तिवारी नेतृत्व पर कसा तंज। तेजस्वी यादव को RJD अध्यक्ष बनाने की अटकलों को लालू ने किया खारिज, कहा बेवजह उड़ाई जा रही है अफवाह। तो तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जो ये बात फैलाता है बात। यूपी में कल बीजेपी खोलेगी वादों का पिटारा, जारी होगा चुनावी संकल्प पत्र। ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी, हल्द्वानी गांव में की जनसभा। अलीगढ़ में प्रियंका गांधी ने किया घर घर प्रचार, कहा गर्मी और चर्बी वालों को खारिज करे वोटर। बलिया में पर्चा दाखिल करने पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी ने लगाई दौड़, नामांकन के लिए हो रही थी देरी। हरिद्वार में आज गंगा आरती में शामिल होंगे राहुल गांधी, वर्चुअल रैली का भी कार्यक्रम। 7 फरवरी को बिजनौर में पीएम का चुनावी दौरा, वर्धमान कॉलेज में करेंगे जनसभा। पीएम से पहले कल अमित शाह भी करेंगे रैली, चांदपुर इलाके में जनसभा की तैयारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर किया वार, कहा फर्जी समाजवादी गरीबों को नहीं मिलने दे रहे उनका हक। हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी, संत रामानुज की मूर्ति का करेंगे अनावरण। 21वीं सदी के संत थे रामानुजाचार्य, 216 फीट की
मूर्ति को दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का नाम। पंजाब कांग्रेस के बीच अंदरूनी कलह जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू का बयान, पंजाब में सीएम पद के सही उम्मीदवार का चयन कर कांग्रेस जीत सकती है चुनाव। सिद्धू के मुताबिक पंजाब में सीएम पद के सही चेहरे का फैसला कर 70 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है कांग्रेस। धंधे वाले लोग डरते हैं सिद्धू से, माफिया से जुड़े हुए लोग डरते हैं सिद्धू से, क्योंकि सिद्धू आएगा तो बदलाव आएगा, ये डर, दुकान बंद होगी। सिद्धू के मुताबिक बात सिर्फ सीएम चेहरे की नहीं, ये चुनाव पंजाब की तकदीर का फैसला करने वाला। सिद्धू का दावा, अभी तक के सीएम केंद्र के इशारों पर नाचते रहे, पंजाब को चाहिए ईमानदार और रोडमैप तय करने वाला सीएम। खनन घोटाला केस में गिरफ्तार पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की बड़ी मुश्किलें, 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। आम आदमी पार्टी का सीएम चन्नी पर करारा वार, केजरीवाल बोले चन्नी ने 111 दिनों में बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को दी मात। पठानकोट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर थोड़ा और प्रयास किया गया होता तो करतारपुर साहिब होता भारत का हिस्सा। मैं तो कहता हूं एक बड़ी बहुत बड़ी चूक हो गई बहनों भाइयों, थोड़ा और प्रयत्न किया गया होता तो मैं समझता हूं कि यह करतारपुर साहिब निश्चित रूप से भारत का ही हिस्सा होता, भारत का ही। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर किया वार, गलवान घाटी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को चीन का भोपू करार दिया। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए शुरू हुई पुलिस बल की तैनाती, हमीरपुर से 450 पुलिसकर्मियों की टीम बुलंदशहर रवाना। अलीगढ़ में चुनाव से पहले पुलिस ने चलाया अभियान, 18 अवैध हथियारों के साथ 4 लोग गिरफ्तार। श्रावस्ती में टिकट के लिए समाजवादी पार्टी में भारी खींचतान, कई कार्यकर्ताओं ने दी इस्तीफे की चेतावनी। अलीगढ़ में बजरंग दल ने किया हवन पूजन, योगी के फिर से सीएम बनने की मांग, मांगी मनोकामना। बसंत पंचमी पर लखनऊ में सियासी पतंगबाजी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजनाथ सिंह की तस्वीर वाली पतंग उड़ाई। उत्तर भारत में डगमगाई धरती, जम्मू कश्मीर से एनसीआर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर में ज्यादा तेज महसूस हुई थरथराहट, घबराकर घर से बाहर निकले लोग। भूकंप के झटकों से झूलते नजर आए घरों के झूमर और पंखे, फिलहाल किसी को नुकसान की खबर नहीं। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर 5.7 दर्ज हुई तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने महसूस किए हल्के झटके, पाकिस्तान के भी कई हिस्सों तक पहुंची थरथराहट। सूरत में दिल दहलाने वाली घटना, 8 महीने के मासूम बच्चे के साथ महिला केयरटेकर ने पार की दरिंदगी की हद। केयरटेकर ने बच्चे को बार बार बिस्तर पर पटका, तमाचे मारे और उंगलियों को दांतों से काटा, बच्चा आईसीयू में भर्ती। माता पिता की नौकरी पर जाने के दौरान दरिंदगी करती थी केयरटेकर, कमरे में लगी सीसीटीवी से हुआ खुलासा। सतना में टल गया बड़ा हादसा, रेलवे फाटक पर पटरियों में फंसी बाइक, बाल बाल बचे 3 युवक। जालौर में ज्वेलरी शोरूम में हथियारों के बल पर दिनदहाड़े लूट, दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने चलाई गोली। श्रीनगर के जकुरा इलाके में दहशतगर्दों से पुलिस की मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी था लश्कर का कमांडर, दूसरा टीआरएफ का आतंकी। हाल ही में अनंतनाग में हुई हत्या में शामिल थे श्रीनगर में मारे गए आतंकी, 2 पिस्तौल बरामद। सूरत में खौफनाक वारदात, छेड़छाड़ से रोकने पर अपराधियों ने युवक पर किए चाकू से दर्जनों वार। बीच सड़क पर हुई हत्या के तमाशबीन बने रहे लोग, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली तस्वीर। यूपी के रामपुर में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, ब्रेकर पर उछलकर बेकाबू हुई गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई। रामपुर हादसे के सभी 5 मृतक मुरादाबाद के रहने वाले, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, 3 पुलिसकर्मी की गई जान, सड़क के किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पलटा दूध का टैंकर। मृतकों में 2 महिला पुलिसकर्मी और 1 पुरुष पुलिसकर्मी शामिल, नौबतपुर गांव के पास हुआ हादसा। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर हुए एक और हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, रीवा से जा रहे थे नोएडा। राजस्थान के पाली में नाबालिग बच्ची से रेप और मर्डर की वारदात को लेकर हंगामा, दोषियों को फांसी देने की मांग। अंबिकापुर में सन्न कर देने वाली वारदात, नाबालिग बच्ची से परिवार के ही 6-7 लड़कों ने किया गैंगरेप। गैंगरेप के सभी आरोपी भी नाबालिग, पूछताछ में बताया मोबाइल में वीडियो देखकर बनाया अपराध का प्लान। असम के घुबरी में गो तस्करों पर शिकंजा, 2 कारों की डिग्गी में छिपाकर ले जा रहे थे गोवंश।
गुना में छेड़खानी के मामले पर हंगामा, लड़की के परिवार वालों ने आरोपियों को पीटा। दिल्ली एनसीआर का फिर घने कोहरे से हुआ सामना, सुबह के वक्त बेहद कम रही विजिबिलिटी। एयरपोर्ट, कैंट, सरदार पटेल मार्ग, धौला कुआं समेत कई इलाके धुंध की चादर में लिपटे, सड़क पर लाइट जलाकर निकली गाड़ियां। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम के तेवर सख्त, दो दिनों से जारी है बारिश और बर्फबारी। नैनीताल में जोरदार बर्फबारी के चलते जनजीवन ठप, बर्फ में फंसे कई वाहन। शिमला में भी दो दिन तक जोरदार बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ में फिसली बस। उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तरकाशी का यमुना घाटी का टूटा संपर्क, गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फ में फंसी बारात, शादी करने पैदल ही गया दूल्हा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भारी बर्फबारी से बंद हुए कई रास्ते, जेसीबी मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ की बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, लेकिन बर्फबारी के बीच थिरकते नजर आए गांव वाले। बागेश्वर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, बंद किए गए जिले के सारे स्कूल। टिहरी के ऊपरी हिस्से में हुई भारी बर्फबारी के चलते चंबा कनातल धनोल्टी मोटर मार्ग बंद, प्रशासन ने लगाई 5 जेसीबी मशीनें। चुनावी सरगर्मियों के बीच देश में कोरोना का कहर जारी, देश में 1,27,000 से ज्यादा मामले। संक्रमण दर घटकर 11% के करीब पहुंची, लेकिन मृतकों की संख्या चिंताजनक। लगातार 4 दिनों से मृतकों की संख्या 1,000 के पार, केरल में सबसे ज्यादा नए केस। कर्नाटक में कोरोना से 53 लोगों की मौत, 14,950 नए कोरोना केस। पश्चिम बंगाल में कल कोरोना से 35 लोगों की मौत, 1,500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। आज देश भर में मनाई जा रही है बसंत पंचमी, पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बसंत पंचमी पर मथुरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बांके बिहारी के दर्शनों के लिए लगी लंबी कतार। वृंदावन में बसंत पंचमी पर दिखी होली की रौनक, भक्तों ने जमकर उड़ाए रंग। देवघर में बसंत पंचमी पर हुई पढ़ाई की खास रस्म, वैद्यनाथ धाम में बच्चों को पकड़ाई गई पेंसिल। अमृतसर में भी बसंत पंचमी की रौनक, भक्तों ने पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। बीजिंग में विंटर ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन, समारोह से दूर रहा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों ने किया है बहिष्कार। विंटर ओलंपिक गेम्स के उद्घाटन समारोह के स्टार मेहमान रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 32 देशों के राष्ट्र प्रमुख हुए शामिल। सीरिया में अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, हवाई हमले में मारा गया इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशिम। अमेरिका के स्कूलों में नई शुरुआत, कैंटीन में बच्चों को परोसे जा रहे हैं शाकाहारी खाना। पेरू में छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 पर्यटकों की मौत।